नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सोनी और आप देख रहे हैं न्यूज डेट। बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया है। बांग्लादेश में जारी भारी हिंसा और राजनीतिक संकट के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है। बता दें, शेख हसीना के इस्तीफा के बाद बांग्लादेश में अराजकता जैसी स्थिति पैदा हो गई है। प्रदर्शनकारी देश में जगह जगह तोड़फोड़ कर रहे हैं। आने वाले दिनों में स्थिति और भी गंभीर होने की उम्मीद है। अगर पड़ोसी देश में हालात और ख़राब होते हैं तो भारत पर भी इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि दोनों देशों के बीच काफ़ी बड़ा कारोबार होता है। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि बांग्लादेश में बदले हालात का भारत पर क्या असर हो सकता है। बता दें, भारत बांग्लादेश से विभिन्न सामानों का आयात करता है। बांग्लादेश से भारत में आयात किए जाने वाले उत्पादों में तैयार वस्त्र, जूट और जूट के सामान, कप चमड़े के सामान और कृषि उत्पाद जैसे फल, सब्जी और संस्कृत खाद्य पदार्थ शामिल हैं। आपको बता दें, बांग्लादेश के कपड़ा और परिधान उद्योग दुनिया भर में फेमस है। भारत प्रतिस्पर्धा मूल्य निर्धारण और गुणवत्ता के कारण बांग्लादेश से तैयार वस्त्र और वस्त्र बना हुआ कपड़ा का एक महत्वपूर्ण मात्रा में आयात करता है। बांग्लादेश जेनेरिक दवाओं और फार्मास्यूटिकल उत्पादों का एक प्रमुख निर्यातक बन गया है। भारत बांग्लादेश से विभिन्न फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन और कच्चे माल का आयात करता है, जो भारतीय स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के विकास में योगदान देता है। आपको बता दें, चमड़ा और चमड़े के सामान, बांग्लादेश उच्च गुणवत्ता वाले चमड़े के सामान का उत्पादन करते हैं। भारत बांग्लादेश से चमड़े के जूते, बैग और पर्स आयात करता है, जो बांग्लादेशी निर्माताओं द्वारा पेश किए जाने वाले शिल्प कौशल की सराहना करता है। आपको बता दें, बांग्लादेश उपमहाद्वीप में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और भारत दूसरा सबसे बड़ा निर्यात साझेदार है। भारत ने वित्त वर्ष 2023 में बांग्लादेश को 6.52 वस्तुओं का निर्यात किया था। वित्त वर्ष 2023 में भारत का बांग्लादेश को निर्यात 12.20 बिलियन अमेरिकी डॉलर और वित्त वर्ष में 22.16 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। भारत में बांग्लादेश को सूती धागा, पेट्रोलियम उत्पाद, अनाज और सूती कपड़े प्रमुख रूप से भेजे जाते हैं। आपको बता दें, भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापारिक संबंध बहुत मजबूत हुए हैं। इसका प्रमाण इसी बात से मिलता है कि दोनों देशों के बीच भारतीय रुपये में ट्रेंड हुआ है। जानकारों का कहना है कि भारत में अराजकता फैलने का फौरी असर तो भारतीय कारोबारियों पर कुछ नहीं होगा, हालांकि अगर ये मामला लंबा चलता रहा तो ज़रूर असर देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि बांग्लादेश से आने वाले आयातित सामान महंगे हो जाएंगे। पिछले दो महीने से बांग्लादेश के हालात खराब होने से कारोबारियों को हजारों करोड़ों का नुकसान हो चुका है। जानकारी के लिए बता दें, वित्त वर्ष 2023 में बांग्लादेश को भारत का निर्यात 10.63 बिलियन डॉलर रहा, जो भारत के कुल निर्यात का 2.6% है। इसके विपरीत, इसी अवधि के दौरान भारत से बांग्लादेश का आयात कुल 1.86 बिलियन डॉलर रहा, जो भारत के कुल आयात का 0.28% है। आपको बता दें, 28 सितंबर 1943 को जन्मे शेख हसीना बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की सबसे बड़ी बेटी हैं। उनका शुरुआती जीवन पूर्वी बंगाल के तुगड़ीपाड़ा में बीता। यहीं उनकी स्कूली पढ़ाई लिखाई भी हुई। इसके बाद वो सेगुना बगीचा में भी रही। फिर उनका पूरा परिवार बांग्लादेश की राजधानी ढाका में शिफ्ट हो गया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि शेख हसीना की शुरुआत में राजनीति में काफ़ी दिलचस्पी नहीं थी। बता दें, 1966 में वो ईडन महिला कॉलेज में पढ़ रही थी, तब उनकी राजनीति में दिलचस्पी जगी और स्टूडेंट्स यूनियन का चुनाव लड़कर वाइस प्रेसिडेंट बनी। इसके बाद उन्होंने अपने पिता मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग के स्टूडेंट विंग का काम संभालने का फैसला किया। आपको बता दें, शेख हसीना यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका में भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में सक्रिय में रही है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।